हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम लोग डिफेक्ट्स को ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे आज फ्रैंक रीड सोर्स ऑफ डिसलोकेशन के बारे में। फ्रैंक रीड सोर्स ऑफ डिसलोकेशन जो है, ये एक डिसलोकेशन का मैकेनिज्म है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं। फ्रैंक रीड सोर्स ऑफ डिसलोकेशन में इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि जो मल्टीपल डिसलोकेशन है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, वो अगर स्पेसिफिक वेल डिफाइंड स्लिप प्लेन में हो क्रिस्टल में, तो वो जो डिसलोकेशन होगा मटेरियल में या क्रिस्टल में, वो फ्रैंक रीड सोर्स ऑफ डिसलोकेशन के हेल्प से एक्सप्लेन होगा। ये एक मैकेनिज्म है। ओके, तो इसको हम लोग समझेंगे कि इसमें कैसे वो एक्सप्लेन किया जा सकता है मल्टीपल डिसलोकेशन। सपोज कीजिए कि इसमें एक दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट ए एंड बी। अगर हम देखें तो इसमें कोई हमारे पास एक क्रिस्टल है जिसमें दो पॉइंट ए और बी हैं, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, और ये इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक बर्जर वेक्टर है जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए से बी का जो डिस्टेंस है वो एक्स है। यहाँ से ए से बी का जो डिस्टेंस है वो एक्स है, ठीक है। तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम समझते हैं कि कैसे ये फ्रैंक रीड सोर्स ऑफ डिसलोकेशन जो है, कैसे ये मल्टीपल डिसलोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये माना जाता है कि ए बी दो पॉइंट हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिनपे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, उनमें उस पर शियर स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो लाइन है इसी पर शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो शियर स्ट्रेस की वजह से अगर एक कोई लाइन है ए बी, इसको हम एक्चुअली एक प्लेन कहेंगे। ए बी एक प्लेन है जिसपे शियर स्ट्रेस ऊपर की तरफ लग रहा है ऐसे, तो शियर स्ट्रेस की वजह से इसका जो डिफॉर्मेशन होगा, इसकी वजह से कर्व शेप में बनेगा, इस तरह से ये कर्व शेप में बनेगा। अगर शियर स्ट्रेस तब भी कंटिन्यू लगता जा रहा है तो इसका शेप जो है और कर्व में हो जाएगा, और ये फाइनली एक सेमी सर्कुलर शेप में फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो सेमी सर्कुलर शेप में ये जो फॉर्म हुआ है, इस समय शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, टाउ मैक्स शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है, ठीक है। उस कंडीशन में अगर उसके बाद भी कंटिन्यूएशन में स्ट्रेस अप्लाई होता रहेगा तो इसका शेप जो है चेंज हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ए बी जो कर्व शेप है, सेमी सर्कुलर शेप, ये चेंज होके इनवर्ड डायरेक्शन में ये बन जाएगा ऐसे, इस तरह से ये डिफॉर्म होकर बन जाएगा, ये ए बी, ठीक है। ये शियर स्ट्रेस के इफेक्ट की वजह से ये चेंज होता रहेगा। तब भी अगर कंटिन्यूएशन में फोर्स अप्लाई होता रहेगा तो ये डिफॉर्मेशन और एक्सटेंड होगा, और ये जो एजेज हैं जो अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, ये दो एजेज एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। उस समय क्या होगा, फिर यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, तो फिर से ये इस फॉर्म में आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन जैसा स्ट्रक्चर अंदर की तरफ दिखेगा इस तरह से। तो फिर से अगर अभी भी इस पे फोर्स अप्लाई होता रहे, शियर स्ट्रेस लगता रहे, तो फिर से ये पैटर्न जो है हमेशा रिपीट होता रहेगा, ठीक है। इससे फोर्स अपर डायरेक्शन में स्ट्रेस लगेगा शियर स्ट्रेस, इसकी वजह से ये कर्व शेप में आएगा सेमी सर्कुलर शेप में। अगर स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाएगा शियर स्ट्रेस तो वो सेमी सर्कुलर शेप में पहुंच जाएगा, अगर उससे भी आगे बढ़ेगा तो इनवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो डिफॉर्मेशन है या डिसलोकेशन कह सकते हैं एग्जैक्टली, एक्चुअली ये जो डिसलोकेशन है ये इस प्लेन के अराउंड ये एक्सटेंड होता जाएगा और ये मल्टीपल डिसलोकेशन बनता जाएगा। मतलब ये इस शेप से शुरू होगा, फिर से इस शेप में आ जाएगा, फिर से यहां से शुरू होकर फिर से चेंज होते होते अगेन यहां तक पहुंचेगा, उसके बाद फिर से इस शेप में आ जाएगा। तो ये एक मल्टीपल डिसलोकेशन को फॉलो कर रहा है, मल्टीपल डिसलोकेशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये एक फ्रैंक रीड सोर्स ऑफ डिसलोकेशन का एक
डायग्राम है अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहले ये ए बी एक यूनिट ले लिया गया, प्लेन है ए बी, एक प्लेन है जिसपे शियर स्ट्रेस टाउ ऊपर की तरफ लग रहा है, इसकी वजह से ये एक आर्क फॉर्म करेगा, पहले सेमी सर्कुलर आर्क कह सकते हैं। मैक्सिमम कंडीशन होगी टाउ मैक्स, और टाउ मैक्स की वैल्यू हो जाएगी जी बी अपॉन आर। जी जो है शियर कॉन्स्टेंट है और बी प्रेशर वेक्टर है और आर इसका रेडियस, आर इस कंडीशन में इसका यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हो जाएगा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है कैपिटल आर, टाउ ऊपर ऊपर की ओर लग ही रहा है, तो ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू है ये लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो डिसलोकेशन है ये इस कंडीशन में अनस्टेबल रहता है, इसी के वजह से ये बार बार रिपीट होता रहता है ये डिसलोकेशन, और रिपीट होके इस फॉर्म में दिखता है, ये जो आप देख रहे हैं इस फॉर्म में ये डिसलोकेशन दिखता है और ये डिसलोकेशन बार बार रिपीट होता रहता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल डिसलोकेशन, क्योंकि यहाँ पर डिसलोकेशन जो है मल्टीप्लीकेट हो रहा है, बार बार इंक्रीज करता जा रहा है, डिसलोकेशन जो है इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेंशन भी है, हायर डिसलोकेशन डेंसिटी इंक्रीजेज इट्स स्पिल डिस्टेंस एंड कॉजेज वर्क हार्डनिंग ऑफ द मेटल, ठीक है, इससे डिसलोकेशन इंक्रीज करता है और ये वर्क हार्डनिंग कहा जाता है, मेटल का वर्क हार्डनिंग, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये दो सेगमेंट है ए और बी, और इन्हीं पे अप्लाई हो रहा है शियर स्ट्रेस, ऊपर की तरफ अप्लाई हो रहा है टाउ बी जिसे कहते हैं, टाउ शियर स्ट्रेस है और बी ब्रदर वेक्टर है, तो ये फोर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, टाउ बी जो है फोर्स रिप्रेजेंट करता है, तो इन ए पॉइंट ए और बी पॉइंट के बीच में फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इसके वजह से ये आर्क के फॉर्म में आएगा, आर्क के फॉर्म में आने के बाद अगर स्ट्रेस मेंटेन रहता है तो ये आर्क है सेमी सर्कुलर फॉर्म में, इस समय इसकी वैल्यू टाउ मैक्स हो जाएगी, टाउ मैक्स की वैल्यू पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि टाउ मैक्स की वैल्यू क्या होती है जीबी अपॉन आर, तो इसी कंडीशन में टाउ मैक्स की वैल्यू इसी कंडीशन में हो जाएगी जीबी अपॉन आर, यहाँ पे टाउ मैक्स की वैल्यू होगी। उसके बाद अगर ये और एक्सटेंड करेगा इस कंडीशन में, अगर डिसलोकेशन या डिफॉर्मेशन मेंटेन रहेगा तो ये इस शेप में आ जाएगा, यहाँ पे ये ए है ये बी है, इसी तरह से डिफॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा, इससे हम आगे बढ़ेंगे तो डिफॉर्मेशन, यही डिफॉर्मेशन जो है बार बार रिपीट होता रहेगा और मल्टीप्लीकेट होता रहेगा डिसलोकेशन, इसलिए इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया गया, एक ही डायग्राम में सबको मर्ज करके रिप्रेजेंट किया गया है कि डिसलोकेशन कैसे मल्टीप्लीकेट हो रहा है अंदर से बाहर की तरफ, फ्रॉम इनर डायरेक्शन टू आउटर डायरेक्शन, तो यही है हमारा फ्रैंक राइट सोर्स ऑफ डिसलोकेशन, इसके हेल्प से हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिसलोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो हमारा है इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, तो नाम सही पता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो है मटेरियल के इलास्टिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसके प्लास्टिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या प्लास्टिसिटी से रिलेटेड कह सकते हैं आप। इलास्टिक डिफॉर्मेशन तब कहते हैं जब ये डिफॉर्मेशन टेम्पररी हो या ये डिफॉर्मेशन रिवर्सिबल हो या उसको रिकवर किया जा सके, वो बाद में रिकवर हो सके, जितने देर तक हम फोर्स लगाई एक किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, अगर वो डिफॉर्मेशन टेम्पररी हो मतलब जितने देर के लिए आप उस पर फोर्स अप्लाई किए हुए हैं डिफॉर्मेशन भी उतनी ही देर तक हो, कोई ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स आपने अप्लाई किया है ठीक है और उसमें डिफॉर्मेशन हो गया, लेकिन वो डिफॉर्मेशन तभी तक हो जब तक कि फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, जैसे ही आप फोर्स हटाएंगे डिफॉर्मेशन भी खत्म हो जाएगा, मतलब ये टेम्पररी डिफॉर्मेशन होगा, अगर वो फिर से अपने पुराने वाले शेप साइज का को रिगेन कर लेता है तो हम ये कहेंगे कि ये जो डिफॉर्मेशन है ये टेम्पररी डिफॉर्मेशन है और इसी को इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी कहते हैं, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो है टेम्पररी डिफॉर्मेशन है, इसमें डिफॉर्मेशन तभी तक रहता है जब तक कि फोर्स उस पर अप्लाई किया जाता है, जैसे ही फोर्स हटाते हैं डिफॉर्मेशन खत्म हो जाता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉ है जिसे हुक्स लॉ कहते हैं, ये इलास्टिक लिमिट तक के लिए वैलिड रहता है, हुक्स लॉ हमें बताता है कि अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है ठीक है उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें जो स्ट्रेस है जैसे जैसे हम स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेन की भी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस कंडीशन में हम कह सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है, तो ये हमें एक रिलेशन बताता है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना चाहें तो इक्वल टू स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई इंटू ई। कैपिटल ई जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और स्मॉल ई स्ट्रेन है और सिग्मा स्ट्रेस है, तो इनके बीच में हमें एक रिलेशन मिल जाता है। तो जैसे जैसे हम स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे ही वैसे स्ट्रेन की भी वैल्यू बढ़ता है, बढ़ती ही जाती है। ये विद इन इलास्टिक लिमिट होता है। अगर विद इन इलास्टिक लिमिट ऐसा हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं कि जो डिफॉर्मेशन है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन में अगर हम देखें तो इसमें बहुत स्मॉल चेंजेस होते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में, जिसमें कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं चाहे टेंसाइल या कंप्रेसिव किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक खिंचाव होता है, जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से थोड़े से बढ़ जाते हैं सेम लोड हटाते हैं तो वो डिस्टेंस खत्म हो जाता है, फिर से पुराने से आ जाता है, तो ये कहलाता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अगर ऐसा हो कि मटेरियल पे लोड अप्लाई करें, फोर्स पे लोड अप्लाई करें, और अगर वो इलास्टिक लिमिट के बाद इलास्टिक लिमिट को पार कर जाए स्ट्रेस उसका, तो उस कंडीशन में जो मटेरियल है उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, जिसको नॉन रिकवरेबल डिफॉर्मेशन भी कहते हैं, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहा जाता है। अगर ऐसा हो कि जो डिफॉर्मेशन है वो उसको बाद में रिकवर ना किया जा सके, इसलिए उसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। और ये तब होता है जब मटेरियल का जो स्ट्रेस है उस पर जो फोर्स लगा रहे हैं अगर उसके स्ट्रेस की वैल्यू उसके इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाती है तब ये डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है जो नॉन रिकवरेबल होता है। इसमें बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ ओरिजिनल बॉन्ड्स और मूवमेंट ऑफ एटम्स ये होने लगते हैं, इसकी वजह से इसको रिकवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें जो मैकेनिज्म है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का वो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में अलग अलग होता है। ठीक है ना, अगर हम देखें तो क्रिस्टलाइन मटेरियल में डिफॉर्मेशन जो है वो होता है, उसको प्रोसेस जिस प्रोसेस से डिफॉर्मेशन होता है उसको स्लिप कहते हैं, जिसमें कि हम लोग पहले डिसलोकेशन पढ़ चुके हैं, डिफेक्ट में हमने डिसलोकेशन पढ़ा है, तो इसमें डिसलोकेशन का ही मूवमेंट होने लगता है, मटेरियल जो है मटेरियल के जो क्रिस्टल हैं डिसलोकेट होने लगते हैं और वही डिसलोकेशन मूव करने लगता है, तब तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। जबकि एमोरफॉक्स मटेरियल में जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है उसको विस्कस फ्लो मैकेनिज्म कहते हैं, जिसमें कि एटम और आयन जो हैं वो स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर तब जाके ये डिफॉर्मेशन होता है, किसी खास डायरेक्शन में स्लाइड करेंगे तब जाके डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग कंपैरिजन भी देख सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इलास्टिक और प्लास्टिक में इलास्टिक डिफॉर्मेशन रिकवरेबल होता है या रिवर्सिबल होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नॉन रिकवरेबल या नॉन रिवर्सिबल होता है। अगर हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करें तो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्ट्रेस पे, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करें तो लोडिंग पाथ पे डिपेंड करता है कि कैसे हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं, अचानक लोड अप्लाई कर रहे हैं, धीरे धीरे कंटिन्यूएशन में लोड अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह का लोड अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से डिपेंड करता है। इसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करें तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, जबकि इस तरह का कोई रिलेशन नहीं होता है, इस तरह का रिलेशन इसमें नहीं होता प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में। इसमें कोई स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए कोई स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट नहीं होगा, हार्डनिंग इफेक्ट उसका नहीं होगा, लेकिन इसमें क्योंकि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है इसलिए इसमें स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, इसी में इसी से रिलेटेड मैकेनिज्म ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करें, डिसलोकेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की, तो किसी भी मटेरियल की बात करें चाहे हम कोई भी मटेरियल हो इंजीनियरिंग मटेरियल, अगर उस पर हम लोड अप्लाई करते हैं अगर वो लोड उसके इलास्टिक लिमिट से क्रॉस कर जाए तो उसमें जो डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है उसको परमानेंट डिफॉर्मेशन कहते हैं। ये मैक्सिमम मटेरियल में ऑब्जर्व किया जाता है। मेनली परमानेंट डिफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये दो तरह का होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और विस्कस फ्लो डिफॉर्मेशन। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में हमने पहले ही देखा कि इसमें रिलेटिव स्लाइडिंग होती है एटॉमिक प्लेन की ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो पाया जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जबकि विस्कस फ्लो जो मैकेनिज्म है परमानेंट डिफॉर्मेशन का उसमें क्या होता है कि जो नेवर एटम्स होते हैं या नेवर क्रिस्टल जो होते हैं वो स्विच कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, तो इसमें इस तरह का डिफॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको कहेंगे कि डिसलोकेशन कैन मूव
अंडर अप्लाइड स्ट्रेसेस, इसमें डिसलोकेशन जो है स्ट्रेस के एक्शन की वजह से मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें इसी वजह से परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। तो यही है हमारा क्यूमुलेटिव मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन जो है, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को लीड करता है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो डिसलोकेशन जो है, या अगर हम बात करें डिफॉर्मेशन, इसमें रप्चर और रिफॉर्मेशन ऑफ इंटरएटॉमिक बॉन्ड होता है। रप्चर मतलब रप्चर ऑफ प्रीवियस बॉन्ड एंड डिफॉर्मेशन ऑफ न्यूअर बॉन्ड, ये जो है फेनोमेना ये एग्जिस्ट करता है परमानेंट डिफॉर्मेशन के कंडीशन। ठीक है, थैंक यू।